स्टूडेंट डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। सबसे पहले बोलूंगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए 10 की सीरीज में आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन लिखा है मैंने tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऑब्वियसली हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कल मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज याद करने के लिए बोला था, अगर आपने याद की होंगी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। तो देखिए सिंपल सा tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो देखिए ये जो टेन स्क्वायर थीटा है उसे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये सिंपल सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो यू हैव गॉट सेक फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा एंड टेन 30 माइनस थीटा। तो फिर से मैंने आपको बोला था ये जो एंगल दिए होते हैं उनको ऐड करके देखिए, सम अगर 9 होता है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा है, तो इसमें मैंने क्या करा 45 माइनस थीटा को ए अज्यूम कर लीजिए। तो देखिए आप इसे कॉस स्क्वायर ए लिखोगे, सिंपल सा कॉस स्क्वायर ए। और अगर मैं इसे कहूं आपको कॉस 90, इस वाले टर्म को आप यहां से सिंपल लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए और होल स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा दो। अब यहां देखिए साइन ऐसी रखिए, 90 ऐसी रखिए, ए के प्लेस में 45 माइनस थीटा रखिए। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा। सेम वे में देखिए टेन 60 प्लस थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 60 प्लस थीटा, और इसको अगर आप ओपन करोगे तो कॉट ऐसी रहेगा ये 90 माइनस 60 माइनस थीटा, यानी आप इसे क्या लिख सकते हो कॉट 30 माइनस थीटा। यहां तक का क्लियर हुआ? तो जैसे ही आपके पास ये वैल्यूज आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा ऐसी रखेंगे, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा। अब वन में देखिए इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉट 30 माइनस थीटा, और ये आपका ऑलरेडी 30 माइनस थीटा है। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, टेन को आप लिख सकते हो कॉट को आप लिख सकते हो वन अपॉइंट टेन, और ये आपका ऑलरेडी टेन है 30 माइनस थीटा। तो देखिए पूरे इससे कैंसिल, फाइनली हैव गॉट वन विच इज योर राइट हैंड साइड। मैं आपको बोलूंगी टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो जो कॉम्पिटिशन में आने वाली ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा। तो सिंपल सा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, टेन थीटा को एज इट इज कॉपी कर दिया, और टेन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। टेन को मैंने आपको बताया था आप साइन अपॉन कॉस लिखते हो, और कॉट को आप लिखते हो कॉस अपॉन साइन। सिंपल सा यहाँ पर एलसीएम लोगे साइन और कॉस, और फिर से इसे सॉल्व करेंगे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या रहती है वन, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और वन अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं कोस सेक थीटा, और वन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा। इसी की देखिए राइट हैंड साइड आप ऐसे ही रखिए, सेक थीटा ऐसे ही रखिए, और सेक 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कोस सेक थीटा। तो सिंपल आपकी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन दे रखा है, तो टू साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखिए, कॉस को आप आइडेंटिटी लगा के वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो टू एज इट इज। यहाँ लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, टू साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलकर होगा थ्री साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मीन साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस वन, यानी सिंपली अगर आप साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस वन लिखेंगे तो साइन थीटा एज इट इज रखेंगे, और प्लस वन को आप लिख सकते हैं साइन 90, मीन्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे तो इसे करने का एक शॉर्ट ट्रिक होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी टेंथ के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। यहाँ देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, जैसे कॉस 45 माइनस थीटा लिया और इसको मैं लिख रही हूँ साइन 90 माइनस, तो ब्रैकेट में 45 माइनस थीटा लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम यहाँ कन्वर्ट नहीं कर रहे, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस,
तो आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा को, यानी 45 प्लस थीटा। तो देखिए कॉस 45 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन 45 प्लस थीटा। तो साइन 45 प्लस थीटा आपने एज इट इज रखा, और यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, 45 प्लस थीटा। फाइनली ये कैंसिल और यू हैव गॉट जीरो। इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है। तो आप एक और तरीके से भी याद रख सकते हो, साइन पाई बाय फोर और कॉस पाई बाय फोर दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये वहां से भी हम लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए ये स्ट्राइक नहीं करता तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा ऐसी रखिए, कॉस यहाँ ले आइए, इधर 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस को 1 लिखते हैं, यानी यू हैव गॉट टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इसे 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, यानी थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। अब आपको साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा निकालना है, तो सिंपल आप साइन 4 45 और प्लस का साइन लगा के कॉस 4 45 लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू अगर आप लिखोगे √2 का होल 4 है, और यहाँ भी लिखोगे 1/√2 का होल 4। तो देखिए √2 का होल 4 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज मैं करके दिखा दे रही हूँ, रूट को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस रूट से आपके पास आएगा 1/2 और ये 1/2 यानी 1/4। तो फाइनली यू हैव गॉट 1/4 दैट इज 2/4 और फाइनली यू हैव गॉट 1/2। एक और लास्ट देखिए क्वेश्चन, आपको गिवन है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो सिंपल सा देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रखिए। यहाँ पे आप कॉस 90 लिख सकते हो, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 90 आ जाएगी। तो सिंपल सा देखो, अगर आप बीटा निकालो तो 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब साइन अल्फा माइनस बीटा है तो इसमें जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो, अल्फा एज इट इज रख रहे हैं, बीटा के प्लेस में 90 माइनस अल्फा रख रहे हैं, तो आप इसे लिखोगे साइन अल्फा माइनस 90 प्लस अल्फा, यानी फाइनली यू हैव गॉट 2α - 90। और इस टर्म में अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो यू हैव गॉट कॉस 2α। तो इस टर्म को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, 4 tan थीटा इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3/4 आएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऊपर देखिए मैं आपको सिंपल सा बोलूंगी, कॉस कॉमन लीजिए, तो जब आप कॉस कॉमन लोगे तो साइन के अपॉन में कॉस आएगा, और जहां कॉस है वहां 1 आएगा। सेम वे में नीचे से भी आप कॉस कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 4 साइन अपॉन कॉस और प्लस 1। कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, इसे आप लिख सकते हो 4 tan थीटा माइनस 1, और इसे लिखोगे 4 tan थीटा प्लस 1। तो डायरेक्ट देखो, अगर आपको स्ट्राइक करता है 4 tan थीटा की जगह आप 3 लगा सकते हो, तो डायरेक्ट यहां से लगाओ, पहले एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 - 1 और दूसरा 3 + 1 दैट इज 2/4 मीन्स 1/2। तो इस टाइप के और वीडियोस के लिए फिर से बोलूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियोस की लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और आपको सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप इन्हें पूरा पूरा वॉच आउट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद एंड हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू।